ये देखो कुछ तो नया बना। ओह माय गॉड, बच गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ईद, सो आपको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और एक्चुअली मैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे मैंने खाना वाना जो भी बना रहा था, सो डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया था उस तरीके से मैं कर रहा था, बट फिर भी रिकवर नहीं हो पा रहा था। सो मैं सडनली प्लानिंग किया और मैं घर चला गया, मतलब कि फैमिली के पास चला गया। सो वहाँ पे गया और कुछ दिन रुका और कुछ शूट कर नहीं पाया वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी वीकनेस हो गया था, तो मतलब कि मैं उस स्थिति में नहीं था। सो मैं शूट नहीं कर पाया कुछ भी। और अभी वापस से मैं आ गया हूँ, तो अभी आज है ईद और अभी मुझे मन कर रहा है सेवई खाने के लिए। फैमिली के साथ तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं गया था, तो फिर वापस आ गया यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी, आपको पता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आपको छुट्टी जल्दी नहीं मिलती है, सो एक हफ्ता 10 दिन के लिए जो भी है। तो मैं अब वापस आ गया और अभी फैमिली के साथ नहीं हूँ, अकेले हूँ, बट इट्स ओके, होता है। सो अभी मेरे को क्या है कि मन कर रहा है सेवई खाने के लिए, बट सेवई खाने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट, वहाँ से लाना पड़ेगा दूध और सेवई जो भी है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। आई होप मिल जाए, बट थोड़ा कम चांस है मिलने का, क्योंकि मार्केट में इस एरिया में शायद मिले ना मिले, मैं जहाँ पे रहता हूँ, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर मिल जाएगा तो मैं लेके आऊँगा और फिर बनाएंगे और देखते हैं कैसा बनता है। वैसा कुछ ताम झाम नहीं रहता है सेवई बनाने में, मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, जस्ट दूध को बॉईल करो, उसमें सेवई डालो, थोड़ा शुगर डालो और बन गया वो। सो ऐसा है, तो ये स्टोरी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सो इसलिए मैं बीच में शूट नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ मतलब शूट नहीं कर पाया और इसके लिए। सो अभी चलो चलते हैं और जाते हैं मार्केट और वहाँ से लेके आते हैं, मिलेगा तो ले लेंगे। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, मतलब कि कहीं बाहर जाने लायक नहीं है। अभी बीच में थोड़ी देर के लिए छूटा है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट के लिए, और फिर से चालू हो जाता है, कंटिन्यू बारिश हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की स्थिति क्या है। अभी बीच में थोड़ा सा छूटा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ और लेके आता हूँ, देखते हैं मिलता है तो, और उसके बाद बनाएंगे और सेवई फिर खाया जाएगा। सो चलो चलते हैं, मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ क्या हालत है। गाइस ये है, देखो ये है बाहर का मौसम, थोड़ा सा छूटा हुआ है अभी, नहीं तो इतनी बारिश हो रही थी, मतलब रात भर बारिश हुआ है, इतनी बारिश की। ये जो रोड है, अभी थोड़े टाइम के लिए छूटा है, इसके लिए थोड़ा जो पानी है दिख नहीं रहा है, अदरवाइज ये पूरा भर गया था पानी से, ये जो पूरा रोड है भर गया था पूरा, तो अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी बाहर जा सकते हैं। सो चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या मिल सकता है, सेवई मिलता है या नहीं मिलता है। गाइस मैं निकल गया हूँ बैग लेके, बैग इसलिए क्योंकि बैग में सामान रहेगा तो डाल लेंगे, क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं लगता है हाथ में पकड़ के लाना, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने बैग ले लिया है। और बैग के अंदर जो भी सामान है डालेंगे और फिर लेके आएंगे। अभी मार्केट जाऊँगा, पहले एक एक्सटेंशन बोर्ड दिया था रात को, एक्चुअली उसका स्विच ख़राब हो गया था, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ लेने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड, है वहाँ पर दिया, पता नहीं है कि नहीं। गाइस ये है हमारे एक्सटेंशन बोर्ड जो मैं लेने के लिए आया था, एक्चुअली मैं जो दिया था वारंटी में था, तो थोड़ा उसका जो स्विच है वो ख़राब हो गया था, आंटी बोल रही नया देता हूँ आपको, तो नया दे रही है अभी, ये वही वाला आंटी, दूसरा वही है ना, ओके सेम वही है। सो गाइस ये है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, इस पर इंडक्शन चलता है और इसे बनाते, मैं खाना इसी बनाता हूँ, तो अभी लेके जाऊँगा, रात को बोले थे बना के दूँगा, लेकिन ये आंटी हमको नया दे रही है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, फिर लेके जाएंगे अभी इसको, चलो लेके चलते हैं, इसको डाल लेते हैं। इसमें कुछ वारंटी वगैरह नहीं है क्या आंटी, क्या की? इसका कुछ वारंटी वगैरह दोबारा दोबारा में ना, हाँ मतलब ये लेके जाऊँगा फिर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ फिर कैसे होगा, कुछ लिख दीजिए। हाँ तो ये है, मैंने ले लिया एक्सटेंशन बोर्ड, अभी लेके जा रहा हूँ और
एक्चुअली रात को मैं आया था तो उन्होंने बोला था कि मैं बना के देता हूँ, वो वारंटी में था, बट अभी जो है मेरे को नया मिल गया है, सो मैं ये लेके जा रहा हूँ अभी और देखते हैं कैसे चलता है ये। गाइस मैं ले लिया एक्सटेंशन बोर्ड और आंटी ने नया दे दिया है मेरे को। एक्चुअली कल आया था तो उन्होंने बोला मैं बना के दूंगा, उसका स्विच ख़राब हो गया था, बट वो स्विच ख़राब हो गया था तो बन नहीं पाया शायद, तो उन्होंने बोला कि नया दे के जाओ, तो अंकल तो नहीं थे, आंटी थी, उन्होंने नया दे दिया मेरे को और अभी मैं ले लिया हूँ और लेके जा रहा हूँ। देखते हैं ये कब तक चलता है, क्योंकि वो तो 2 हफ्ता में ही ख़राब हो गया, उन्होंने बोला था 3 महीना तक चलेगा पर चला नहीं। रास्ते में मुझे मिल गया ये, मेरे को लेना था तो दिख गया तो मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली ये असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स का न्यूज़पेपर है तो मैं ये ले के जाऊँगा अभी, इसको भी डाल लेता हूँ। वहाँ पे एक जनरल स्टोर है काफ़ी बड़ा है, वहाँ मिलता है क्या? सो गाइस मैं आ गया वापस और मुझे वो जो सेवई है वो नहीं मिला। मैंने कम से कम 5-6 जगह ट्राई किया बट मुझे बिल्कुल भी कहीं नहीं मिला, और मिल भी रहा था तो दूसरे टाइप का डिफरेंट हो रेडीमेड ऐसा कुछ है, बट मैं जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिल रहा था। सो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस घर और यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध, ये देखो ये दूध है और इसमें है चीनी और ये है बिस्किट, तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे सेवई नहीं मिला है। मैंने 5-6 जगह गया, 5-6 जगह जो किराने का दुकान है वहाँ पे गया बट वहाँ पे नहीं मिला जो सेवई चाहिए मेरे को। सो मिल भी रहा था तो डिफरेंट टाइप का मिल रहा था, उसमें ज़्यादा ताम झाम रहता है, बनाना पड़ता है उसको, क्या क्या करना पड़ता है मुझे आइडिया भी नहीं है, सो इसके लिए मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। सो अभी चलते हैं, दूध गर्म करूँगा और उसमें चीनी डाल के बिस्किट डालूँगा और फिर खाऊँगा। तो सेवई तो नहीं मिला बट कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इससे ही काम चलेगा। सो चलो बनाते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं शुरू, दूध को बॉईल करते हैं पहले। काफ़ी टाइम ढूंढा मैं, मिला ही नहीं मेरे को यार, इतना खाने का मन था सेवई बट मिला नहीं, यही होता है। अगर घर पे होते, अगर फैमिली के साथ तो मतलब कुछ करने का जरूरत ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक सिर्फ बोलो आ जाएगा सामने, बट यहाँ पे तो ढूंढना पड़ रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है और उसके बाद से, पर कोई बात नहीं होता है। चलो अभी दूध को बॉईल करते हैं थोड़ा, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। सो इसको यहाँ रखता हूँ मैं, दूध चीनी को खोलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग रहा है। हाँ मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लाया था ना, वो तो लेना भूलेगा, एक्सटेंशन बोर्ड भी है ना, एक्सटेंशन बोर्ड अंदर एक्सटेंशन बोर्ड रखा था, किधर गया ये, इसमें कैसे चला गया भाई? हाँ ये है, और मैंने ये जो पेपर लिया था न्यूज़पेपर, इसको बाद में मैं पढ़ूँगा, फिलहाल मैं अपने इसको करता हूँ। ये मिला है और आंटी ने मुझे बिल्कुल नया दे दिया है क्योंकि ये जो ख़राब हो गया था, एक्चुअली इसको लगाना पड़ता है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको इसमें लगाते हैं ऐसे समझ लो, मैं लगा दिया, मैंने लगा दिया और यहाँ पे रख दिया और इसको खोलेंगे। बट लास्ट टाइम जो ले गया था इंडक्शन वाला जो सेम नहीं था, मतलब ऐसे ही था, सेम था शायद, ब्रांड दूसरा था, तो ये जो है ये ख़राब हो गया था एक्चुअली, तो इस बार मिला है, देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हमको लगता है ये भी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसका जो वोल्टेज है ये अप एंड डाउन होता रहता है और इसमें जो ज़्यादा अगर देर तक यूज करोगे तो ये केबल पतला है ना तो ये हीट हो जाता है, हीट होने के बाद ये चल ही नहीं पाता है। और मोस्टली पिछली बार जो लेके आया था उसने बोला था कि 3 महीने चलेगा, 3 महीने का वारंटी दिया था, इसके लिए मेरे को चेंज करके मिला है और 3 महीने क्या 2 हफ्ते में ही ख़राब हो गया, तो ये देखते हैं, लगता है ये 1 हफ्ता चल जाए बहुत है, तो अगर इस बार ख़राब होगा तो नया लेना पड़ेगा और मोटा वाला लेना पड़ेगा। फिलहाल इससे काम चलाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। इसको मैं खोलता हूँ, खुल जा भाई, यहाँ रख दो, देखते हैं लगा के लगता है यहाँ, तो लग तो गया है, चल रहा है कि नहीं, लाइट तो आ रहा है, चल रहा है, ये काफ़ी पतला है, भी हीट हो जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा बर्तन धोना है, उसको मैं धो लेता हूँ उसके बाद रिस्टार्ट करता हूँ।
80 में, और इसका जो केबल है देखो हीट होना शुरू हो गया, पूरा हीट हो गया। ये देखो बॉयल होने लगा, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, नहीं तो ओह माय गॉड बच गया, ऊपर आ ही रहा था जस्ट, भाई डर लग रहा है तो यार ये इतना जल्दी कैसे हो रहा है, तो डर लग रहा है एकदम से फेंक देगा ऊपर, इतना जल्दी तो नहीं होता है। देखो चलो जाने दो, छोड़ देता हूँ, हो गया। ये देखो ये क्या हुआ, वाइट वाइट पूरा, कोई बात नहीं। ये दो बिस्किट है, इसको मैं डालूंगा दूध के अंदर, उसके बाद इसको ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं ये कुछ नया डिश बनेगा आज। डालता हूँ इसके अंदर, ये देखो कुछ तो नया बना। आप लोग ऐसा खाए हो क्या? अगर खाए हो तो प्लीज़ बताना क्या टेस्ट है इसका। गाइस ये देखो क्या बन गया है, ये इस तरह का मैंने डाला इसके अंदर बिस्किट दूध के अंदर, और ये देखो कैसे हो गया। एक्चुअली दूध कम है और बिस्किट कम, एक्चुअली दूध ज़्यादा है और बिस्किट कम है, इसके लिए पूरा ये हो गया, मतलब दूध की जो क्वांटिटी है ज़्यादा हो गई है। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट काफ़ी ज़्यादा था तो मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये इतना बाद में खाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। सो गाइस मैंने खा लिया है और कुछ छोड़ भी दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने खा लिया है फिलहाल, और हमको लगी है प्यास, बट उसके लिए जाना पड़ेगा नीचे, तो मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगा। और ये था ईद का ब्लॉग, और हमारा ईद ऐसा रहा बिस्किट और दूध के साथ, बट आई होप कि ये वीडियो मेरे घर वाले ना देखें, मेरे फैमिली वाले ना देखें, क्योंकि अगर वो लोग देखेंगे तो उनको काफ़ी बुरा लगेगा और फ़ोन ऑन करके मुझे काफ़ी बोलेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों किया। तो ये था आज का ब्लॉग, और अगर आप लोग बैचलर हो तो आप भी कमेंट करके बताओगे कैसे मैनेज करते हो फेस्टिवल के दिन, ईद के दिन, ईद हो या दिवाली हो होली है जो भी है, सो कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको ईद मुबारक, और खुश रहो और एंजॉय करो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।